नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक सागर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अभी जो गूगल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह पता चला है कि भारत में बहुत सारे लोग पॉर्न के नाम पर ऐसी वीडियो सर्च करते हैं जो कि पॉर्न नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो आपको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, या आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके ही देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 18 साल से ऊपर लोगों के लिए बनी है जो पॉर्न या इस तरह की चीज़ें सुनकर थोड़ा विचलित नहीं होते और जो सुन सकते हैं। तो अगर आप नीचे हैं 18 साल से तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वरना आप देखते रहिए। तो मैं बात करने वाला हूँ कि यार देश की क्या हालत चल रही है। बहुत बुरी हालत चल रही है, और सबसे ज़्यादा ख़राब ये है कि गूगल की रिपोर्ट के हिसाब से लोग गलत वीडियोज़ लाइक लिंचिंग की वीडियोज़, लड़ाई झगड़े मार काट रेप ऐसी वीडियो, रेप्स की मारधाड़ की गलत वीडियो, लिंचिंग हो रही है, इस तरह की वीडियो लोग पॉर्न वेबसाइट्स पर या गूगल पर सर्फ करते हैं। कितना सही है ये, कितना गलत है, ये किस मेंटालिटी को दिखाता है? मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पूरे दुनिया का है, इंटरनेट सिर्फ भारत का नहीं है, और अलग अलग देश के अलग अलग नियम होते हैं। हमारे भारत में भी बहुत सारी पॉर्न वेबसाइट्स बैन है। 800 से ज्यादा पॉर्न वेबसाइट्स बैन है, क्योंकि वो कुछ इस तरीके की पॉर्न शो करती हैं या इस तरीके की वीडियोस दिखाती हैं जो कि इलीगल है, फोर्स्ड वीडियोस, फोर्स कर किसी की जबरदस्ती हो रही है, कोई किसी को मार रहा है, किसी को टॉर्चर कर रहा है, इस तरह की वीडियो इलीगल होती है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा एडल्ट कॉन्टेंट होना और इलीगल कॉन्टेंट होना, इन दोनों में बहुत फर्क है, इस चीज को आप समझिए। अगर किसी को मार काट की जा रही है, किसी को फोर्स करके कुछ भी किया जा रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो इलीगल है। लेकिन एडल्ट इंडस्ट्री चलती है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ इलीगल है या कुछ गलत है, बट ये काफी हद तक इलीगल भी है, कुछ चीजें उसमें इलीगल हैं जिसकी वजह से पॉर्न वेबसाइट्स बैन है। अब न्यूज चैनल्स में, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में बताया जा रहा है कि लोग एक्सेस तो कर ही लेंगे, लोगों में इतना दिमाग है, वीपीएन और टॉर और डार्क वेब, इसकी मदद से वो ये कॉन्टेंट हासिल कर लेंगे, इतनी अकल सब में। आजकल हर 18-19 साल का बच्चा जानता है कि वीपीएन क्या होता है। तो सरकार अगर ये वेबसाइट बैन कर रही है तो उन्हें रोक नहीं पाएगी, उन्हें सर्फ कर ही लेंगे, सबको नॉलेज है। और गूगल पे तो सर्च करने का कोई सवाल ही नहीं उठता ये सारी चीजें। बहुत लोग कौन करते हैं ये, मैं बताता हूं आपको, ये वो लोग करते हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि वो जो सर्च कर रहे हैं क्या वो लीगल है क्या वो इलीगल है, और उन्हें ये लगता है कि उनके सर्चेस कोई देख नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, गूगल एक अमेरिकी वेबसाइट है और वहां पर वो आपके सर्चेस का ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। इनफैक्ट अगर आप गूगल अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि आपने गूगल पर क्या सर्च किया था, और ये सारा डेटा गूगल इस्तेमाल करता है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने एडवर्टाइजर के लिए। जो कीवर्ड्स आप सर्च करते हैं ज़्यादा बार, वो कीवर्ड्स बिकते हैं, उन कीवर्ड्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी जो गूगल पर ऐड देना चाहती है वो उन्हीं कीवर्ड्स पर ऐड देगी जिसे लोग सर्च करते हैं। लोग क्या देख रहे हैं उसी के ऊपर वो अपने ऐड लगाते हैं। इसी पर्पस से जो चीजें सर्च होती हैं बहुत ज्यादा वो गूगल ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, और इसीलिए गूगल ने ये ट्रैक रिकॉर्ड रखा है कि रेप वीडियोस और गलत तरीके की वीडियोस गूगल पर सर्च की जा रही हैं। ये वो मेंटालिटी वाले लोग हैं जिन्हें साइबर सिक्योरिटी के बारे में, लीगैलिटी के बारे में पता ही नहीं है कि वो क्या सर्व करें, क्या वो लीगल है क्या नहीं है, और उन्हें लगता है कि वो छुपे हुए हैं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पर हर एक एक्टिविटी आपकी ट्रैक की जा रही है, जो कि आप गूगल कर रहे हैं या जो भी चीज आप कर रहे हैं, तो वो गूगल ट्रैक करता है मेरे भाई, और वो तो लीगल है, वो तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में भी लिखा हुआ है, वो करता है ट्रैक। गलत है, बहुत ज्यादा गलत है गलत ऐसी वीडियोज को देखना, सर्फ करना। मैं यहां पर यह नहीं बोलता हूं कि पॉर्न वीडियोज इलीगल है, पॉर्न वीडियोज गलत है देखना, लेकिन पॉर्न वीडियोस या एडल्ट वीडियोस या उस तरह की थोड़ी बी ग्रेड मूवीज या ये सब जो कि अलग अलग लोगों के हिसाब से गलत है। अगर आप बच्चे हैं, छोटे हैं, आप ऐसे इंसान हैं जो गलत, आपके दिमाग को असर कर रही हैं ये चीजें, आपको असल जिंदगी में भी यही करने के लिए मजबूर कर रही हैं, तो ये चीजें गलत हैं। हाँ, बहुत लोगों के अलग अलग वो है, देखना चाहते हैं लोग देखते हैं, नहीं देखना चाहते हैं नहीं देखते हैं, वो अपनी चॉइस है। लेकिन उसको गलत चीजों को देखना और उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाना, ये बहुत गलत है। इसीलिए सरकार बच्चों को या उनको जो भी दूर रखना चाहती है ऐसी इलीगल चीजों से। डार्क वेब क्यों इलीगल है? डार्क वेब इसीलिए इलीगल नहीं है कि वहां पर पॉर्न मिलती है, डार्क वेब इसीलिए इलीगल है
क्योंकि वहां पर इलीगल पॉर्न मिलती है, लिंचिंग मिलती है, गलत चीजें मिलती हैं जो मानवता के खिलाफ है, बहुत ज्यादा खिलाफ है ये चीज है। तो ये बहुत ही गलत है इस तरह की कि अगर गूगल सर्चेज हो रही हैं तो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, गूगल पर ऐसा कुछ भी सर्च ना करें या ऐसी चीज़ें तो ढूंढे ही ना आप, आपको क्यों ढूंढना है। किसी की यातना, किसी को मारा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, ये सब सर्च करके, ये सब देख कर आपको क्या मिलेगा। ये बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं आप अगर आप इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो। हाँ, बैंड कॉन्टेंट काफ़ी हद तक देखना ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी कारणवश बैन कर दी गई हैं उन्हें देखना या ठीक है, वो काफ़ी ठीक, वो अलग बात है यार, वो टेक्निकल इशू है। यहाँ पर एक मॉरल इशू आ जाता है कि आप ऐसे गलत चीज़ें सर्व कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत है। डेटा सस्ता होने के साथ साथ ये चीज़ें भी हमारे यहाँ पर हुई हैं कि इंटरनेट पर हर तरीके के लोग आ गए हैं, सस्ता हो गया इंटरनेट, हर तबके के लोग, सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, तो हर तरीके के लोग इंटरनेट पर आ चुके हैं और वो हर तरीके की चीज़ें सर्व करते हैं, बहुत एक्सट्रीम भी, कुछ लोग अच्छा सीखते हैं इंटरनेट पर, कुछ लोग ख़राब। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप लिमिट में रहें और जो सही चीज़ आपको सर्व करनी चाहिए, जो देखनी चाहिए वही देखें, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया है जी कि गूगल क्या क्या ट्रैक करता है, क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ है, क्या चल रही है, क्या नहीं होना चाहिए और क्या हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज में इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना आप, उससे आप अपडेटेड रहोगे जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।